हाँ तो भाइयों देखो, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा सारे मरेंगे भूखे, सिर्फ मेरा बाबू थाना थायदा। ले फिर आ गए। और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में रहने वाले दो गेम प्ले, और दोनों गेम प्ले में जो ही तुम्हारे भाई ने नेक्स्ट लेवल तबाही मचाई है, और बाकी प्लस भी देख लेना कितने का मिलने वाला है अपने को। और बाकी यार #2 आने की गंदी आदत लग गई तुम्हारे भाई को ये चिकन बांटते बांटते, मतलब दोनों मैच में अच्छे खासे किल्स निकालने के बाद एंड में जाके लास्ट बंदे के सामने जाके लो भैया चिकन रख लो ले। और जो भी बंदे अभी भी एज डोमिनेटर पे है ना, तो आप लोगों को डेली प्लस टारगेट देने वाला हूं, और एंड तक कॉन्करर कितने पॉइंट्स पे जाएगा वो भी बताऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्कर इजिली हो जाए। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, और बाकी लैंडिंग तो देख ही सकते हो, इतनी घटिया लैंडिंग करता हूं मैं। और गन के नाम पे मिली है मेरे को ये शॉटगन, जो कि मतलब मेरे पास हो चाहे सामने वाले के पास हो पेटी मेरी बननी है। और यहां पे एक भैया जी आते हैं और देखो कैसे निपटाते हैं भैया जी को। अब ये भैया जी भी पीछे दब दब कर रहे थे, और ये थे अपने सब्सक्राइबर भाई, ये YouTube Vlogs भैया जी अपने सब्सक्राइबर थे, और तुम्हारे भाई ने भर दिया एकदम आराम से। अब देखो गलती से भी ये मत सोचना कि मेरी शॉटगन अच्छी चल रही है जी घंटा, सामने वालों की शॉटगन को पता नहीं क्या हो गया भाई, जो बंदा सिर्फ शॉटगन की आवाज सुन के मर जाए उसको ये बंदे चार चार शॉटगन की एमओ में नहीं मार पा रहे हैं, मतलब भाई साहब शर्म करो तुम। अब अपने घर पे एक और बंदा था ऊपर की साइड, अबे निकल ले भाई एक बार में, एक तो ये खिड़की नहीं टापता एक बार में। अब देखो ऊपर वाले भैया जी को भी तुम्हारे भाई जो ही शॉटगन चिपकाने वाला है ना, अब इस वाले मैच में शॉटगन थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी चल गई थी तुम्हारे भाई से। वह भाई साहब क्या बंदा था यो, देख रहे हो कहाँ चढ़ के बैठा है, तभी सोचू साला आधे घंटे से मेरे को फोटोशॉप क्यों नहीं आ रहा, ऊपर वाला बंदा क्या सांप सूंघ गया क्या। और इसी के साथ एक भैया जी का और शिकार कर लिया तुम्हारे भाई ने शॉटगन से। अब देखो बीच बीच में जो ये गंदे मैचेस चले जाते हैं ना जिसमें शॉटगन चिपक जाती है, यही मैचेस मेरे को प्रमोट करते हैं कि और शॉटगन चलानी चाहिए, फिर अगले दो मैच में खेल के पता चल जाता है रहने दो। अब देखो एक बंदे का और पुश आया था, और इन भैया जी के पास भी शॉटगन थी, लेकिन ये भैया जी जो ही फटी में भागे ना यहाँ से। अब देखो ये बंदा डर गया, तुम्हारा भाई नहीं डरा, क्योंकि जो मेरे 3 किल हो रखे ना वो भी मतलब बोनस है मेरे लिए, क्योंकि शॉटगन लेके अभी तक सर्वाइव कर रहा हूं वही बड़ी बात है। अब इन भैया जी को भी एकदम आराम से निपटा देता, और ये भैया जी भी अपने सब्सक्राइबर थे, मतलब भाई साहब सारे सब्सक्राइबर भर दिए तुम्हारे भाई ने। अब यहाँ पर मैं लूटपाट कर ही रहा था कि उतने में देखो भाई बस इस वाले शॉट के लिए तो देखो वीडियो को लाइक करना बनता है। तुम्हारे भाई की शॉटगन मतलब पीछे रख रखी थी मैंने, अरे मतलब बैग के बगल में, वहां से तुम्हारे भाई ने निकाली और जो ही पहला शॉट चिपकाया, आय हाय हाय मजा आ गया बिल्कुल। और देखो एक ज्ञान की बात बताऊं, गरीब की हाय और चूतियों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, जिंदा मरोगे। वह भाई साहब अब तो लगता है नेक्स्ट मैच से अपने को शॉटगन चलानी पड़ेगी, आय हाय हाय जो शॉटगन चिपक रही है इस वाले मैच में, मतलब बिल्कुल मजा सा आ गया। अब काफी देर से एक बंदा टैप टैप दिए जा रहा था, तो मुझे लगा शायद से ये भैया जी अपने को पहचान गए होंगे, इस वजह से तुम्हारा भाई भी टैप टैप दे देता है, तो ये भैया जी आ जाते अपने से मिलने। अब ये भैया जी से वार्तालाप कर ही रहे थे कि सामने की साइड से अपने को एक बंदे के मटकने का साउंड आ जाता है, तो ये भैया जी को मैं आके तुरंत बोल देता हूँ कि मैं आगे वाले बंदे को मारता हूँ, तुम पीछे वाले कंपाउंड पे जाके होल्ड कर लो, मतलब इतने कॉन्फिडेंस में बोला था ना। उसके बाद बस सीन देखो, अब बोला मैंने कॉन्फिडेंस में इसलिए था क्योंकि अपने पास शॉटगन है जो कि चिपक भी रही थी। अब ये भैया जी मेरे नेड मॉली से अच्छा खासा डैमेज हो गए थे, उसके बाद ये भैया जी इसी कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं ये रस्सी का यूज करके, तो तुम्हारा भाई भी चला जाता है क्योंकि ये भैया जी फर्स्ट एड लगा रहे थे। और बस देखो अब यहाँ पे तुम्हारा भाई क्या ही हगने वाला है। चलो बढ़िया, ये जो शॉटगन चलाने की गलत फहमी पाली थी ना मैंने, वो इसी मैच में खत्म हो गई, वरना अगले मैच में खेलता तो ज्यादा दुख होता। अब अपन लैंड कर जाते हैं मिलिट्री बेस पर, और यहाँ पे अपनी ठीक ठाक सी लूट कंप्लीट करता हूँ। एक ड्रॉप लूट लिया था जो कि पहले से लूटेड पड़ा था, तो अपना हेलमेट वैश का जुगाड़ हो गया था। अब बस देखते जाओ कहाँ पे जाके पोजीशन निकालते हैं, ना मेरे पास स्कोप है ना मेरे पास ढंग की गन है, तो तुम्हारा भाई जाता है सीधा जोन के सेंटर में पुश करने, क्योंकि अपने को लूट भी चाहिए पोजीशन भी। अब देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए पुश करा था कि कोई ना कोई बंदा तो होगा जिससे अपनी लूट कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे निकलते अपने चीता भाई साहब। तो बस चीता भाई क्या हाल है, अब चीता भाई के पास ग्रोजर थी और मतलब पूरा ठेला लाल कर दिया था, लेकिन भैया जी को निपटा के अपनी एकदम मतलब चुम्बेश्वरी लूट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद देखो अभी टोटल और कितने किल्स निकालने वाले।
अब देखो चिंता मत करो, स्प्रे पे ध्यान मत दो, मैं चाहता तो ये वाला स्प्रे कट भी कर सकता था, लेकिन ये स्प्रे इसलिए दिखाया है क्योंकि ऊपर वाले भैया जी अपने ही सब्सक्राइबर थे, वो भैया जी जंप करने लग जाते हैं और आजकल अपने इतने सारे सब्सक्राइबर भाई मिल जाते हैं अपने मैच में, मतलब बिल्कुल मजा से आ जाता है। लेकिन यार कुछ भी बोलो, तुम्हारे मिलने की वजह से ना मेरा नुकसान हो जाता है, चिकन चला जाता मेरा। अब इतने ज्यादा घटिया स्प्रे के बाद इन भैया जी को भी जैसे तैसे उतार दिया था, अब अपने को भी निकलना था नेक्स्ट सर्कल में, तो बस देखो कहाँ पे जाके होल्ड करते हैं। और अपने अच्छे खासे 9 किल भी हो गए थे, अब यहाँ पर रिच पे आके आराम से होल्ड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सारे बंदों की लगभग पोजीशन का आइडिया था कि कौन कहाँ पर है। तो तुम्हारा भाई आके आराम से यहाँ पे होल्ड करता ही, और अपने सब्सक्राइबर भैया जी को देखो, अब बस सोचो अगर मेरे को ना पता होता कि ये अपने सब्सक्राइबर भैया जी है, ये उस वक्त पे जंप ना करते तो तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या मस्त पेटी बनाता ना हवा में। अब इन भैया जी को निपटा के हो जाते अपने अच्छे खासे 10 किल, और इसके बाद अपने एक सब्सक्राइबर भैया जी बचे थे और एक लास्ट बंदा बचा था जो कि अपने राइट साइड में था। राइट सही है ना मेरा? हाँ राइट है। अब इन भैया जी को भी एकदम आराम से निपटा देते हैं और अपने हो जाते हैं अच्छे खासे 11 किलो। इसके बाद लास्ट वाले भैया जी से तुम्हारा भाई थोड़ी देर बातचीत करता है, और इन भैया जी का कॉन्करर हो रखा था तो अपन डिसाइड करते हैं कि अपन शॉर्ट फाइट करेंगे, अगर नहीं हुआ हो तो कॉन्करर तो तुम्हारा भाई दे देता चिकन। बस दे ही देना चाहिए था यार चिकन इससे अच्छा तो। अब उस वाले मैच से अपने को अच्छा खासा 21 पॉइंट्स का प्लस मिल गया था विदाउट चिकन, तो आप लोग देख सकते हो अभी भी आप लोग ना डेली का 100 पॉइंट्स का प्लस आराम से निकाल सकते हो। तो जो भी बंदे भी इस डोमिनेटर पे डेली 100 पॉइंट्स का टारगेट रखो अपना प्लस करने का। अब बात करें अपने सेकंड गेम प्ले की, तो इस वाले मैच में जा रहे अपन गोरे गोपाल, और बस देखते जाओ कैसे पूरा गोरे गोपाल तुम्हारा भाई खाली करेगा। गोरे गोपाल क्या अगल बगल वाले बंदे भी निपटा दूंगा, बस देखते जाओ टोटल कितने किल्स निकालने वाले गोरे गोपाल। यार लकी अपने लिए किल्स निकाल लेता तुम्हारा भाई अच्छे खासे। देखो आज है 3 फरवरी, इसका मतलब समझ रहे हो? अबे तुम्हें आशिकों के सप्ते की पड़ी है सालो, उसकी बात नहीं कर रहा। आज है 3 फरवरी, इसका मतलब ये है कि नए साल का 1 महीना 2 दिन हम सक्सेसफुली बर्बाद कर चुके हैं। अब यहाँ अपने घर के ऊपर एकदम मुक्का लात चल रहा है और तुम्हारा भाई बीच में ना आए, तो देखो तुम्हारा भाई बीच में आता भी है, लड़ाई सुलझा भी देता है, अब दोनों प्लेन में जाके लड़ेंगे। अरे मतलब 2 सेकंड के लिए नीचे क्या चले जाओ, तुम मेरे रजिस्ट्री वाले घर पे आ जाते हो। और देखो हाँ एक चीज क्लियर कर दूं, ये अब से तुम्हारे भाई का रजिस्ट्री वाला घर, तो अगर कोई भी अपने मैच में आए तो तुम्हारा भाई यही लैंड करने वाला है। अबे जल गया, अबे जल्दी रश करो, देखो मौली जो है ना मौली करने के बाद रश कर दिया करो क्योंकि बंदे 1 HP बच जाते हैं, अजी घंटा बच जाते हैं, तुम्हारे भाई की मौली है ऐसे कैसे बच जाएगा, देखो आराम से निपटा देता तुम्हारा भाई। अब देखो इवेंट पे तुम्हारे भाई के अच्छे खासे 3 किल हो गए, तो उसके बाद एक बंदे का और मटकने का साउंड आता है, मैं इस पे मौली कर रहा, तो ये भैया जी मेरे पे नेट फोड़ रहे। वह भैया जी नेट तुमने मेरे ऊपर करा, कान मेरे सुन हुए, तुम काहे अंदर घुसे चले आ रहे थे, तुम्हें तो साउंड आ रहा होगा, और अगर नहीं भी आ रहा तो थोड़ा देख के तो आओ। अब देखो उस बंदे का तो पता नहीं, लेकिन अपने को प्रॉपर साउंड आ रहा था कि सामने की साइड को एक बंदा है जिस पर तुम्हारे भाई ने 2 मौली ट्राई करी, एक तो मतलब फालतू की बर्बादी करी है, उसके बाद मेरे को उस बंदे के पीछे भागने का साउंड आता है, इसका मतलब जल गया है वो, तो तुम्हारा भाई जाता है तुरंत रश करने, और उतने में देखो सामने की साइड से ये भैया जी आ रहे होते हैं, और बस देखो। अब देखो मैं एकदम आराम से किल कर सकता था, लेकिन ये भैया जी अपने को स्पॉन आइलैंड पे मिले थे और मैं कपड़े देख के पहचान गया था कि ये अपने सब्सक्राइबर भैया जी, और तुम्हें मतलब देख रहे हो ऐसा यूट्यूबर कहीं मिलेगा, मैं आराम से किल कर सकता था, लेकिन किल से ज्यादा मुझे अपने सब्सक्राइबर की जान प्यारी है। थैंक यू। अब ये भैया जी अलग मतलब बंदर बने घूम रहे थे छतों के ऊपर से, तुम्हारे भाई ने एकदम आराम से निपटा दिया, और इन भैया जी को निपटा के हो जाते अपने अच्छे खासे 6 किल। नहीं हुए क्या? रुको अभी 6 किल करने के बाद ही बोलूंगा। अब देखो सामने वाले ब्लू घर पे मुझे एक बंदा मटकता हुआ स्पॉट हो गया था जो कि यहाँ से मेरे से कद्दू निकल होने वाला, तो तुम्हारा भाई चला जाता है डायरेक्ट उस बंदे पे रश करने, मतलब देख लो इवेंट तो खाली करेंगे करेंगे, अगल बगल वालों को भी निपटाया जाएगा, पूरा एरिया धुआं धुआं कर देंगे। अब मैंने सोचा कि ये बॉट एकदम जल्दी से निपट जाएगा, आराम से निपटा देंगे इसको, एक भी हेडशॉट ही ना लगा, और ये भैया जी यहीं पे थे। वाह 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 वाह, क्या जंप शॉट मारा है भैया जी, जंप शॉट के 100 में से 100 नंबर, और बाकी जो तुम्हारा एम था ना उसके बस -100 कर दो, तो कुल मिला के तुम्हारी पेटी पे सिंहासन बन गया, सॉरी सिंहासन पे पेटी बन गई। अब तुम्हारा भाई वापस इवेंट के अंदर जा रहा था बंदे निपटाने, कौन है बे? बे इसकी तो पूरा लाल कर दिया मेरा ठेला, रुक जा पीछे से हमला करता तोरी माइक के। अब देखो स्प्रे लेते वक्त थोड़ा भूकंप आ गया था दिल्ली में, और बाकी मैं 400 जायरो पे खेलता हूँ तो तुम लोग समझ सकते हो, लेकिन ये बंदा क्या करना चाहता था, नीचे कूद के ऑफलाइन हो गया था क्या? अब देखो इवेंट पे तुम्हारे भाई के अच्छे खासे 8 किल हो गए थे, और उसके बाद पूरा इवेंट तुम्हारे भाई ने क्लियर कर दिया था, लेकिन इवेंट के अगल बगल के बंदे भी निपटाए जाएंगे। अब सामने वाले घर पे एक और बंदा था और वो वाली जगह इवेंट के बाहर, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो भैया जी यूएस लेके निकलने लग जाते, तो तुम्हारा भाई बुलाता है अरे फाइट लेने तो आओ भैया जी।
अब अगर थोड़ा भी ढंग का स्प्रे मार लिया होता ना तो ये भैया जी चलती गाड़ी से एकदम आराम से बाहर थे। और ये वही भैया जी थे जिनको अभी अभी 1 HP करके छोड़ा था, जो कि अपने सब्सक्राइबर भाई थे। और इनको पता था कि इवेंट पे मैं अकेला बच रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि ये भाई साहब अभी तक बच रहे हैं। तो ये भैया जी मेरा टैप टैप सुन के इसलिए आए, इनको लगा मैं गाड़ी के लिए बुला रहा हूँ इन्हें। तो अब भैया जी अपने को टैप टैप देने लग जाते तो मैं समझ गया था अच्छा ये अपने सब्सक्राइबर भैया जी है, तो तुम्हारा भाई फिर मिल लेता और उसके बाद बातचीत करके अपन चलते सीधा दूसरी गाड़ी पे। अपनी जिंदगी वह भाई साहब मुंह पे सिमरन बोल के जा रहा, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। बे तेरे को दो दो बार 1 HP करके छोड़ा मैंने। अभी भैया जी को भी एकदम आराम से गिरा देते, अपने हो जाते अच्छे खासे 9 किलर। अपने पास अभी भी रिकॉल बाकी है, लेकिन रिकॉल बाकी है किस्मत झंड है, बंदे मिलते ही ना जब तक रिकॉल है। तो अब अपन लास्ट जोन में जोन का सेंटर आके होल्ड करते और एकदम आराम से जोन के एच पे आ जाते। तो चलते फिर सीधा नेक्स्ट सर्कल के जोन के सेंटर में। वह भाई साहब इस लेवल के गट्स बंदों में आते कहाँ से है, वो 250 किलोमीटर दूर से UMP चला रहा मेरे पे। चल बेटा एक बार तू बस सकल दिखा, देख ऐसा बस मारूंगा ना तू जिंदगी में मुझे सकल नहीं दिखाएगा, देख अभी कैसे टन 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 बजेंगे। रुक जा तू सकल दिखा, बस एक बार सकल दिखा। अब देखो तुम लोगों को लग रहा होगा मेरा बस बेकार था, मैंने हक दिया इस स्प्रे में, तो देखो ऐसी गंदी चीजें तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए भैया। देखो मेरा बस एकदम बढ़िया था, बस जो मेरी पहली गोली थी ना वो थोड़ा रास्ता भटक गई, उसके ऊपर से निकल गई, बाकी गोलियों ने उसे फॉलो कर लिया। इसलिए किसी को अंधा फॉलो नहीं करना चाहिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। अब देखो तुम्हारा भाई जोन के सेंटर में लगभग होल्ड कर ही रहा था, उतने में अपने को अपने राइट साइड से एक बग्गी का साउंड आता और किल फिट देखो ब्लास्टर भाई साहब, धुआं देखो कहां पे उड़ा, बग्गी देखो कहां पर है भाई साहब, इतनी क्या जल्दी थी कि उड़ते हुए आगे गिरे हो जाके। अब यहां पर आराम से होल्ड कर ही रहा था, उतने में एक US वाले भैया जी की रोटेशन आती है। अबे शर्म करो तुम लोग, मैं इस बंदे को 2 हेड मारने के बाद भी नहीं गिरा पाया। अब तुम बोलोगे कि हम लोग क्यों शर्म करें, तो देखो भैया स्प्रे मैं ले रहा हूँ ना, कुछ तो काम करो तुम लोग, तो शर्म तुम करो। अबे यार इस बंदे का कुछ तो करना पड़ेगा, इसके सामने साक्षात ग्लेशियर वाला बंदा खड़ा है। अच्छा उसको पता ही नहीं है अबे मेरे पास ग्लेशियर है, मैंने अभी तक उसको एक भी गोली मारी कहाँ है। रुको अभी उस बंदे को बताना पड़ेगा अबे मेरे पास ग्लेशियर है, क्योंकि ग्लेशियर वाले बंदों से बंदा थोड़ा मतलब डर में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है इस बंदे के पास ग्लेशियर है तो ये बंदा प्रो होगा। अब नहीं दिखाएगा वो सकल, अब तो तुम्हारे भाई ने ग्लेशियर भी दिखा दिया और जिस लेवल का डैमेज दिया तो डर भी गया होगा वो। अरे भाई साहब बड़ा बेशरम बंदा था, अभी अभी तुझे 1 HP करा फिर भी सकल दिखा रहा है। अब पीछे से आता अपने को एक बग्गी का साउंड, बिल्लो बग्गी बिल ले आता की करेगी, दोबारा तुम लोग शर्म करो, मैं उस बंदे को उतार नहीं पाया। अच्छा अंदर बैठे भैया जी, रुको अभी कहां गया बे, रिफ्लेक्स देख रहे हो रिफ्लेक्स, तुम्हारे भाई के रिफ्लेक्स, सामने वाले के पास शॉट गन थी फिर भी निपटा दिया तुम्हारे भाई ने। भाई साहब क्या लेवल पे पेला है तुम्हारे भाई ने, 11 किलो हो गए अपने अच्छे खासे। अबे यार इस लेवल का डैमेज दिया तो इन भैया जी ने अपना किल चुरा लिया लास्ट में एक हेड मार के। अब इन भैया जी को भी एकदम आराम से निपटा दिया तो और अपने अच्छे खासे 4 किल हो जाते हैं। अच्छा 4 अलाइव है बे, अरे आदत नहीं है ना ऐसे 12 किल देखने की। अब देखो जोन के अंदर तुम्हारा भाई आराम से पहुंच गया था और हमारे अलावा जो लास्ट बंदा बचा था वो निपट जाता है जोन से। अब देखो लास्ट जोन हमेशा की तरह सामने वाले भैया जी के ऊपर बन गया था, तो तुम्हारा भाई यहाँ से झुकते झुकाते जा ही रहा होता है एक नेट कुक करता हुआ, लेकिन यार अपने साथ मोई मोई वाला सीन हो जाता है। अब ध्यान से देखो ये जो हंसता खेलता आया है ना ये मेरी हस्ती मिटा गया, बाकी प्लस देख लो 12 किल तो निकाल लेते चिकन मिल जाता और अच्छा रहता, लेकिन #2 पे निपटने की गंदी आदत लगी मेरे को चिकन बांटते बांटते। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।